हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी OISD के बारे में, जो कि है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट। ठीक है, अब क्या है इसमें, पूरा ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी से ये रिलेटेड है कि आपके अगर कोई भी ऑयल रिफाइनरी में वर्क कर रहे हैं या कोई भी ऑयल रिफाइनरी है, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड यूज़ किए जाते हैं, OISD स्टैंडर्ड क्या क्या हैं जिनको आपको उसमें फॉलो करना होता है। ठीक है, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री है तो बहुत सारे हैज़ार्ड होंगे। अब उन हैज़ार्ड से बचने के लिए क्या SOP वहाँ बनी है, स्टैंडर्ड क्या फॉलो हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि OISD जो है वो एक ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से सेफ्टी आप मेंटेन रख सकते हैं अपने वर्क प्लेस पर। तो देखिए, ये ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टोरेट में बताया गया है तेल औद्योगिक सुरक्षा निदेशालय। ठीक है, इसमें क्या है, ये ISO बताया गया, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, 9001 टू 2015 सर्टिफाइड है ये। ठीक है, अब ये क्या है, आप इसमें आप क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ये सारे पहले से ही स्टैंडर्ड बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है, OISD जो है उसके स्टैंडर्ड क्या फॉलो उसमें होने हैं, ये सारे पहले से ही बने हुए हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से आप सेफ्टी रख सकते हैं, पूरे जो स्टैंडर्ड हैं वो इसी से रिलेटेड हैं कि आप किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी रख रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, क्या आपको करना है, उसके लिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। तो देखिए, इस तरीके के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनको आप अपने OISD में फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि OISD 118। इसमें क्या है, लेआउट फॉर ऑयल एंड गैस इंस्टॉल्यूशन। इसमें आपको ऑयल एंड गैस इंस्टॉल्यूशन का पूरा लेआउट बताना है। ठीक है, अब OISD स्टैंडर्ड किसके लिए, 141 के लिए। उसमें क्या है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट बताना है, किसके लिए, फॉर क्रॉस कंट्रीज के लिए, हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद है OISD स्टैंडर्ड क्या है, 144। उसमें क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG इंस्टॉल्यूशन बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, ये स्टैंडर्ड हो गए सारे इसके। ठीक है, और OISD स्टैंडर्ड क्या है, एक 150 है, जो कि किसके लिए है, डिज़ाइन एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें क्या है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, किसके लिए है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और माउंटेड स्टोर्ड फैसिलिटी। ठीक है, तो अब इनमें क्या है, ये स्टैंडर्ड किसके लिए बताया गया, कि ये लेआउट अगर आप गैस और उसका कर रहे हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड ये वाला चलेगा OISD में। ठीक है, अब आप अगर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये वाला स्टैंडर्ड इसमें फॉलो होगा, इस तरीके से ये है। साथ ही इसमें कुछ सेफ्टी के भी रहते हैं, जैसे कि सेफ्टी के लिए OISD चलता है स्टैंडर्ड 105। ठीक है, उसमें क्या रहता है, वर्क परमिट सिस्टम, जो कि आपके वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, वर्क परमिट सिस्टम आपको पता है, किसी भी वर्क प्लेस पे आप वर्क करने जा रहे हैं तो उसके लिए वर्क परमिट पहले आपके पास होना चाहिए। अगर वर्क परमिट होता है तभी आप उस वर्क प्लेस पे ठीक से वर्क कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ से आपको श्योरिटी मिल जाती है वर्क परमिट से कि ये प्लेस जो है वो वर्क करने के लिए अब सेफ है। ठीक है, तो क्या है, ये स्टैंडर्ड आपको ये बता रहा है, यहाँ से जो OISD स्टैंडर्ड 105 है उसमें ये बताया गया है कि वर्क परमिट सिस्टम जो है वो आपका किस बेस पे चल रहा है, कैसे चल रहा है और आप क्या क्या कर रहे हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब एक और स्टैंडर्ड है जो भी सेफ्टी के लिए है, वो है स्टैंडर्ड है OISD स्टैंडर्ड 116, जो कि फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटी के बारे में बात कर रहा है, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, गैस के लिए। ठीक है, तो ये सेफ्टी फैसिलिटी वो जान उसमें बताया जाएगा, उसमें आपको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड में, जो जो बताया गया है सेफ्टी को लेके, फैसिलिटीज़ को लेके, वो आप फॉलो कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में या नहीं, अपनी रिफाइनरी में आप वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड 116 जो है वो किसके लिए है, प्रिवेंशन फैसिलिटीज़ के लिए, प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ के लिए, फायर प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ के लिए। ठीक है, कि आग ना लगने पाए उसके लिए आप क्या क्या प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं, उन सब के लिए इसमें बात की गई है। अब देखिए, ये फिर से एक स्टैंडर्ड है जो कि 125। इसमें क्या, इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सील्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, इंस्पेक्शन आपको करना है और मेंटेनेंस करना है, जो भी वहाँ वर्क चल रहा है, मैकेनिकल वर्क चल रहा है या कोई भी और वर्क चल रहे हैं, उनमें आपका क्या मेंटेनेंस है, इंस्पेक्शन हो रहा है रेगुलरली या नहीं, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, और फिर से एक और है 126। ठीक है, इसमें क्या है, स्पेसिफिक मेंटेनेंस प्रैक्टिस फॉर रोटेटिंग इक्विपमेंट्स।
इसमें आपको स्पेसिफिक मेंटेनेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी रिक्रूटिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी वहाँ इक्विपमेंट्स हैं सेफ्टी से लेके या कोई भी इक्विपमेंट है उनमें आप कितना उनके बारे में जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें फॉलो करनी होंगी। और दूसरा है ये रिपोर्ट बनानी होंगी आपको, ठीक है, हिस्ट्री रिकॉर्डिंग ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, जितने भी रोटेटिंग इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पर उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखनी होगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि किसी जो इक्विपमेंट है वो ख़राब है या वो काम ही नहीं कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ें फेस ना करनी पड़े इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंटेशन, एक रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड तैयार करके रखना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके OISD स्टैंडर्ड्स हैं, लिस्ट ऑफ OISD स्टैंडर्ड्स जो कि आप अपनी ऑयल इंडस्ट्री को सेफ रखने के लिए यूज़ करेंगे, इसीलिए ये स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें की इसीलिए गई हैं क्योंकि जो ऑयल रिफाइनरी रहती है, ऑयल इंडस्ट्री रहती है, वो ऑलरेडी बहुत ही हैजार्डियस होती है, तो अब हमें उससे प्रिवेंशन चाहिए। अगर हमें हैजार्ड से खुद को बचाना है तो हम क्या करें, इसके लिए ये बात की गई है, क्योंकि अगर हम सेफ्टी रखेंगे तभी तो हम एक्सीडेंट्स जो हैं उन पर कंट्रोल कर पाएंगे ना, तो उसके लिए ही ये OISD जो है वो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। अगर जैसे कि और किसी काम को करने के लिए SOP बनाई जाती हैं, ये भी जस्ट लाइक SOP है, स्टैंडर्ड बनाए गए हैं किसी भी काम को करने के, इसके लिए SOP बनाई जाएगी, तो क्या होगा, वर्क सेफली होगा। अगर वर्क सेफली होगा तो एक्सीडेंट बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये मैंने आपको OISD के बारे में बताया, ठीक है, ऑयल इंडस्ट्री जो जैसे कि ऑयल इंडस्ट्री में हम कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं सारी सेफ्टी, और उसके बाद हम कैसे स्टैंडर्ड्स रहते हैं इसमें। ये सिर्फ पेट्रोलियम के लिए बताया गया था स्टैंडर्ड, ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड लिस्ट है जो अभी लास्ट में जो लगी है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन की है, ये कि आप वहाँ कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं, कैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पेट्रोलियम के लिए आप क्या कर रहे हैं, और भी बहुत सारे, क्योंकि ये क्या है, ऑयल रिफाइनरी है, तो सब तरीके के ऑयल इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है, पेट्रोलियम बनाया जाएगा, गैस बनाया जाएगा, डीजल बनाया जाएगा, कैरोसिन बनाया जाएगा, तो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम के लिए बात की थी, सारे ये थे, गैस सॉल्यूशन लिक्विड के लिए था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता लग गया कि किस तरीके से SOP जो रहती हैं, SOP स्टैंडर्ड की तरह ही रहती हैं, स्टैंडर्ड जो हैं वो एक SOP की जैसे फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था OISD, सो थैंक यू।